सो हे गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आपको बता दूं मैं डिवाइसेस कौन सा यूज़ करता हूँ, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे। सो गाइस, रेडमी नोट 7S डिवाइस यूज़ करता हूँ और गाइस देख लें MIUI 10.3.7 जो कि MIUI ग्लोबल है, ग्लोबल यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे MIUI 11 की जो बीटा रोम है कैसे अपने रेडमी नोट 7S में डिवाइस में इंस्टॉल करें। सो गाइज, इस वीडियो में आपको पूरा फुल ट्यूटोरियल बताऊंगा। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइज डेली आपको ऐसी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल रही हैं। तो गाइज, आप फिर से देख लें मैं डिवाइसेस कौन सा यूज करता हूँ। ये रहा रेडमी नोट 7S, एंड्रॉइड 9 पाई, MIUI 10.3.7.0 जो कि MIUI 10 बेस्ड है और गाइज एक स्टेबल यूजर्स में। तो गाइज, सिंपली आपको आपके पास एक कंडीशन होनी चाहिए। तो गाइज बता दूं आपको कि मेरे डिवाइसेस का जो बूट लोडर है वो अनलॉक है। आपका डिवाइसेस का बूट लोडर गाइज अनलॉक होना चाहिए। तो गाइज, उसके लिए आपको सिंपली अपनी एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। ये रही गाइज हमारी एडिशनल सेटिंग्स, बता दें आपको, आपको गाइज अपनी डिवाइस की एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। सो गाइज, उसके बाद गाइज आपके यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन दिखेगा, उसमें गाइज क्लिक करने के बाद गाइज आप देख लें मी स्टेटस अनलॉक दिस डिवाइस, दैट डिवाइस इज बीन अनलॉक। सो गाइज, इसके लिए फुल ट्यूटोरियल वीडियो आपको ये है। तो गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, 50 लाइक्स का है, जल्दी से पूरे करवा देना। तो चलिए गाइज, चलते हैं वीडियो के ऊपर। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपका डिवाइसेस का जो डाटा है पूरा इरेज हो जाएगा अगर आप इस रॉम को फ्लैश करना चाहते हैं। सो गाइज, आपको पहले बैकअप ले लेना जरूरी है अपनी जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है। उसके बाद गाइज आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। उसके बाद गाइज आपके डिवाइस में कोई कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होनी चाहिए। तो गाइज मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि गाइज मैं अभी इसी रिकवरी के ऊपर इस रॉम को फ्लैश करूंगा। उसके बाद गाइज आपके ने उस फाइल को डाउनलोड कर लेना है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया है। रेडमी नोट 7S एंड नोट 7A की डिवाइसेस हैं, इनकी जो MIUI 11 की वीटा 9.9.24 की रॉम फाइल है उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको कोई रिकवरी अपने डिवाइस में फ्लैश कर लेनी है। चलिए गाइज, रिकवरी फ्लैश करने के बाद चलिए गाइज चलते हैं रिकवरी के ऊपर। रिकवरी के ऊपर जाने के लिए गाइज आपको सिंपली पावर ऑफ का बटन दबाना है और रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, और गाइज आपको जो वॉल्यूम वाला बटन है आपका उसको दबाए रखना है। सो गाइज, वॉल्यूम अप का बटन हमने दबा रखा है। तो गाइज देख लें ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के ऊपर गाइज हम रन कर रहे हैं। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के ऊपर। सो गाइज, ये रहा इंटरफेस ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का। सो गाइज, ये रही ऑरेंज फॉक्स की रिकवरी की जो आपको लुक देखने को मिलती है। उसके बाद गाइज आपको सिंपली कुछ नहीं करना, पहले वाइप के ऊपर क्लिक करना है। डेलवी चेके सिस्टम रूट वेंडर और डाटा को इनको आपको स्वाइप कर देना है। तो गाइज आपने इसको स्वाइप किया तो गाइज ये देख लें अभी सक्सेसफुल हो जाएगा। गाइज देख लें सक्सेसफुल स्वाइप हो चुका है। उसके बाद गाइज आपको फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है, और गाइज जहाँ पर आपने इस फाइल को स्टोर किया है तो गाइज मैंने मेमोरी कार्ड में स्टोर किया है, माइक्रो एसडी कार्ड। गाइज ओके। सो गाइज, ये रही मेरी MIUI लवेंडर 9.9.24 की जो कि रेडमी नोट 7S या नोट 7 के लिए, इसके ऊपर क्लिक करना है और गाइज आपको स्वाइप टू फ्लैश कर देना है। सो गाइज, ये थोड़ा टाइम लेगा 2 से 3 मिनट तक का, तो गाइज थोड़ा वेट करते हैं। सो गाइज, ये देख लें ये सक्सेसफुल हमारी जिप फाइल है MIUI 11 की रेडमी नोट 7S के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद गाइज आपको सिंपली बैक करना है और मीनू के ऊपर जाना है और मैनेज पार्टीशन के ऊपर जाकर डाटा, और गाइज यहाँ पर टिक करके इसको फॉर्मेट डाटा कर लेना है। कई बार गाइज पासवर्ड मांग लेता है, इसलिए गाइज ये आपको क्लिक कर देना ओके। अब गाइज ये सक्सेसफुल होगा और हम अपने डिवाइसेस को सिस्टम के ऊपर रिबूट कर देंगे। सो गाइज, ये रहा रिबूट सिस्टम, हम आज देख लें हमारा डिवाइस रिबूट सिस्टम के ऊपर क्लिक करेगा। गाइज यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट, थोड़ा वेट करें। सो हे गाइज, आप देख लें मैंने अपने रेडमी नोट 7S डिवाइसेस है उसमें MIUI 11 का जो बीटा है वो इंस्टॉल कर लिया है। ये रहा, तो गाइज आप देख लें यहाँ पर आपको MIUI 11 का लोगो और नीचे MIUI 11 लिखा हुआ, और गाइज आपको यहाँ पर बीटा दिख रहा होगा। सो गाइज, अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल किया है, करते हैं इसको चलाते हैं। सो गाइज, ये MIUI चाइना बीटा है, इसलिए गाइज यहाँ पर आपको चाइना लैंग्वेज देखने को मिलती है। आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लें और गाइज ओके करें। सो गाइज, ये देख लें कनेक्ट नेटवर्क स्किप कर देंगे, और गाइज कुछ कंडीशन यहाँ पूरी यहाँ पर सेटअप आपके साथ साथ करेंगे, और गाइज पूरी बताएंगे कि रेडमी नोट 7S या नोट 7 में
आपको क्या क्या देखने को मिलता है MIUI 11 में। सो गाइज आप देख रहे हैं, ये रही हमारे सेट पासवर्ड। जब आप अपने डिवाइसेस को हार्ड रिसेट करते हैं उसके बाद ऐसा आता है, लेकिन गाइज मैंने न्यूली रोम इंस्टॉल्ड किया है इसलिए गाइज सारा डाटा रेज हो चुका है। सो गाइज यहाँ पर रखते हैं कोई पिन, ये रखिए मैंने एक पिन, और गाइज करते हैं ओके। और गाइज यहाँ हमारा फिंगरप्रिंट मांग रहा है, फिंगरप्रिंट। गाइज फिंगरप्रिंट भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है सभी डिवाइसेस में, और गाइज करते हैं ओके। ओके करने के बाद गाइज आप देख लें यहाँ पर आपकी जो थीम्स हैं वो ये रही, एक क्लासिक और एक लिमिटलेस। तो गाइज हम लिमिटलेस रखते हैं, अब करते हैं ओके, चूज अ थीम। इसके बाद गाइज थीम अप्लाई हो चुकी है, और गाइज ये बटन्स पूछ रहा है कि बटन्स चाहिए या फुल स्क्रीन गेस्चर। सो गाइज बटन्स रखते हैं, उसके बाद गाइज ये रहे बटन, अब करते हैं हम ओके। तो गाइज ये देख लें MIUI 11 सेटअप कंप्लीट, यू आर रेडी टू रॉक, करते हैं ओके। सो गाइज अब देख लें ये रहा हमारा MIUI 11 जो कि Redmi Note 7S डिवाइसेस में हमने इंस्टॉल कर लिया है। सो गाइज आपको बता भी दूँ सेटिंग्स में जाकर के कि डिवाइसेस कौन सा है। सो गाइज ये रही आपको सेटिंग्स की लुक ऐसी देखने को मिलती है MIUI 11 में। तो गाइज आप माई डिवाइस में चलेंगे तो गाइज देख लें डिवाइस मॉडल Redmi Note 7S, Redmi Note 7 सेम ही डिवाइसेस हैं, डिवाइस नेम रेडमी। अब गाइज आप देख रहे हैं सेटिंग्स में आपको कुछ ऐसी जो अवार्ड फोन है ऐसा देखने को मिलता है। ऑल स्पेसिफिकेशन में गाइज आपको जो सिक्योरिटी पैच है वो लेटेस्ट अक्टूबर महीने का देखने को मिलता है। और गाइज आप देख लें यहाँ पर आपको जो MIUI 11 9.9.24 है। अब गाइज चलिए बैक करते हैं, सो गाइज करते हैं यहाँ पर टैप। सो गाइज जरा हम MIUI 11, अब गाइज चेक फॉर अपडेट नहीं आया है। डिस्कस न्यू फीचर्स इन मी कम्युनिटी, अगर आपको कोई फीचर्स चाहिए तो आप मी कम्युनिटी के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं फीचर्स के लिए। और गाइज यहाँ पर आपको वही पुराना सेम लेआउट देखने को मिलता है, डाउनलोड लेटेस्ट वर्ड्स न्यू पे गाइज नहीं बता सकते क्योंकि ये गाइज एक पब्लिक बीटा रॉम हमने इंस्टॉल अपने डिवाइसेस में की हुई है। सो गाइज सिम कार्ड की आपको ये सेम वैसे की वैसे ही मिलती है, प्लान्स वैसे का वैसा ही मिलता है। लॉक स्क्रीन में गाइज आपको वही ऑप्शन मिलते हैं, कुछ नया देखने को नहीं मिला है, बस थोड़े से ऊपर नीचे कर देंगे हैं। डिस्प्ले में गाइज आपको डार्क मोड मिल चुका है, सिस्टम फॉन्ट आपको गाइज डिफॉल्ट यहाँ पर रख कर दिए गए हैं जो कि मी लैंडिंग पहले आपको मिलते थे। नो चैन स्टेटस बार में गाइज सो कनेक्शन स्पीड वही मिलती है परसेंटेज। सो गाइज अभी बैटरी इंडिकेटर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ग्राफिकल परसेंटेज इन द आइकन। जब देखिए गाइज मैंने परसेंटेज इन द आइकन रखा है, जो बैटरी का परसेंटेज है वो अंदर है। अब गाइज अब रखते हैं परसेंटेज नेक्स्ट टू द आइकन, तो गाइज अब देख लें बैटरी के परसेंटेज बाहर आ चुके हैं, ये कुछ थोड़ा चेंजेस किया गया था। सो गाइज उसके बाद गाइज फुल स्क्रीन मोड वो आपको MIUI की मिलती है। होम स्क्रीन में गाइज आपको वही, सिस्टम लॉन्चर में गाइज आपको वही लॉन्चर सिस्टम, और गाइज एक जिंजर होम लॉन्चर जो कि गाइज चाइना में यूज किया जाता है वही आपको देखने को मिलता है। थीम्स में गाइज चलते हैं, तो गाइज थीम्स में आपको क्लासिक थीम्स वही मिलती है पुराने की, और गाइज लिमिटलेस थीम आप देख लें, आइकन्स वही हैं लेकिन गाइज वॉलपेपर चेंज कर दिए गए हैं। अब गाइज हम क्लासिक थीम्स को करते हैं अप्लाई, तो गाइज हमने गाइज क्लासिक थीम की है अप्लाई। तो गाइज क्लासिक थीम्स के जो कलर्स हैं वो चेंज कर दिए गए हैं, आइकन्स थोड़े चेंज कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन पैनल गाइज आपको MIUI 10 का ही देखने को मिलता है, चेंजेस नहीं हुए हैं। उसके बाद गाइज आपको बता दूँ पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में गाइज आपको वही कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता। उसके बाद गाइज चलते हैं बैटरी एंड परफॉर्मेंस में, गाइज आपको थोड़ी बैटरी सेवर का ऑप्शन भी हम देखने को मिल जाता है, ये रहा अल्ट्रा बैटरी सेवर देखने को मिल जाता है, ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है। और गाइज ऐप्स में गाइज आपको सिस्टम ऐप सभी ऐप्स इकट्ठी करके ऐप लॉक ऐप्स में ही दे दिया गया है। एडिशनल सेटिंग्स में गाइज आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले वही पुराने पुराने ऑप्शन मिलते हैं। और गाइज ये स्क्रीन ऑन टाइम, ये फीचर्स स्पेशल फीचर्स, स्क्रीन ऑन टाइम का फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। मी ये MIUI 11 जो गाइज मेरे को लगता है चाइना लैंग्वेज में ही होगा, MI का A1 वर्क तो नहीं कर रहा गाइज, कर रही है लेकिन गाइज ये चाइना लैंग्वेज में ही है। उसके बाद गाइज यहाँ पर अकाउंट एंड साइन ये मिलती थी। गाइज अब बात करते हैं इसकी होम लॉक स्क्रीन की, तो गाइज लॉक स्क्रीन आपको यही देखने को मिलती है MIUI 10 की ही। गाइज MIUI 11 में आपके वॉलपेपर चेंज हो चुके हैं, कैमरा गाइज देखते हैं कैमरा कैसा हुआ है। सो गाइज कैमरा में भी आपको सेम वैसे का वैसा ही देखने को मिलता है, कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। 48 MP गाइज बाहर आ चुका है, पहले हमें प्रो मोड में जाना पड़ता था लेकिन अब 48 MP हमें बाहर देखने को मिल चुका है। और गाइज म्यूजिक प्लेयर गाइज वैसे का वैसा ही हमें देखने को मिलता है जैसा गाइज, लेकिन चेंजेस थोड़े थोड़े इसमें हुए हैं। थीम्स में गाइज चलते हैं, तो गाइज थीम्स भी चेंजेस हो चुके हैं, ये रही आपको जो नीचे मिलते हैं ऊपर मिल रहे हैं रिकमेंडेशन थीम्स वॉलपेपर बहुत सारे गाइज ये।